एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो, जिसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके क्राउन एरिया में बहुत ज़्यादा बाल झड़ चुके हैं, स्कैल्प दिखती है, तो आपको किस तरीके से हेयर स्टाइल करनी चाहिए। कल भी मैंने दो हेयर स्टाइल शेयर किए थे आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने बताया था कि क्राउन एरिया में अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा पतले हल्के हो गए हैं, तो आपको एक क्लचर की मदद से दो ब्यूटीफुल से बन हेयर स्टाइल बताए थे जो कि हाई बन थे। आज मैं बताऊँगी आप लोग को लो बन हेयर स्टाइल। क्राउन एरिया के साथ साड़ी पहन रहे हो तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल जरूर ट्राई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो के अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सब जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है वो मैं आपको बीच मांग से बता रही हूँ। अगर आपके क्राउन एरिया में इस तरीके से बहुत ज़्यादा बाल झड़ चुके हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोग के लिए। तो मेरे बाल भी छोटे हैं बट पतले हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पतले नहीं हैं कि स्कैल्प दिखते हो। तो आप इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग करके बालों को फ्रंट की तरफ छोड़ दोगे। उसके बाद आपको अपने क्राउन एरिया के हेयर लेने हैं इस तरीके से। ओके, अगर आपकी स्कैल्प दिखती है तो आप ये कीजिएगा, अदरवाइज आपका नॉर्मली हेयर स्टाइल बन जाएगा। अगर आपके घने बाल होंगे तो आप आराम से बस सिंपली ऐसे पुल करोगे तो आपका बन जाएगा, बट पतले हैं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से क्राउन एरिया के हेयर ले लेने हैं और थोड़े थोड़े सेक्शन लेके बालों के क्राउन एरिया के थोड़े थोड़े से सेक्शन लेके उसमें थोड़ी बैक कॉम्बिंग करनी है इस तरीके से। तो आपका जो क्राउन एरिया का हेयर है वो अच्छे से हाइड हो जाएगा। जैसे आप बैक कॉम्बिंग करोगे तो आपके हेयर जो होते हैं एक पास इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्कैल्प दिखता है वो हाइड हो जाता है इस तरीके से। तीन चार बार करने के बाद से आप अपने जो फ्रंट में अपने हेयर डाले थे उसको बैक में डाल दूँ, फिर आपको नॉर्मली एक बालों में बाउंसी एंड वॉल्यूम दिखेगा क्राउन एरिया के हेयर में। उसके बाद सिंपली ऐसे हेयर को पकड़ के हल्का हल्का कॉम देना है। पीछे ध्यान दीजिएगा कि आपने जो बैक कॉम्बिंग की है वो खुल ना जाए। ओके, तो अगर आप पार्टी वगैरह में बना रहे हो, अगर नेचुरली आपको कहीं आना जाना है तो कल जो मैंने वीडियो शेयर की थी वो ट्राई कर लेना। अगर आप पार्टी में या शादी में वेडिंग में बना रहे हो तो आप आज वाले हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से करने के बाद से हेयर को हल्का सा ट्विस्ट देना, आगे की तरफ पुल करना है, ताकि जो आपका क्राउन एरिया का स्कैल्प है वो अच्छे से हाइड हो जाए और आपके क्राउन एरिया पे थोड़ा सा बाउंसनेस आ जाए, जिससे वॉल्यूम दिखेगी आपके बालों में। ये वर्क करता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर क्राउन एरिया में हेयर बहुत कम है, फ्लैट रहता है एंड आपका स्कैल्प दिखता है, तो आप इस तरीके से जो भी हेयर है उसमें बैक कॉम्बिंग कीजिए फ्रंट से, फिर बैक कॉम्बिंग के हेयर को ढक दीजिए, जिससे कि आपका क्राउन एरिया का स्कैल्प हाइड हो जाए। एंड बहुत ज़्यादा ऊंचा पफ नहीं करूँगी मैं यहाँ पर, सिंपली इस तरीके से करके और हल्का हल्का खींच लेना है। ये आप पार्टी में शादी में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जो आपके फ्रंट के हेयर हैं, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके क्राउन एरिया के हेयर झड़े होंगे, फ्लैट होंगे, तो आपके फ्रंट एरिया पे भी बहुत कम हेयर होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ से थोड़े से सेक्शन लेने हैं बालों के और इनको बैक कॉम्बिंग कर लेना है इस तरीके से, जिससे कि जो आपका फ्रंट का एरिया है उसमें भी बाउंसनेस, थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए और आपके हेयर जो आपका हेयर स्टाइल है उसको अच्छा सा लुक मिले। फिर इस तरीके से कॉम करना है। आप डायरेक्ट यहाँ से ट्विस्ट मत कीजिएगा, उससे आपकी जो स्कैल्प दिखेगी उससे हेयर स्टाइल बहुत गंदा लगता है। तो आप ऐसे बैक साइड में बालों को लेके जाइए, जितने भी हेयर हैं जो आपने बैक कॉम्बिंग की है वो इस वाले हेयर के अंदर होने चाहिए। उसके बाद हल्का सा ट्विस्ट कीजिए, आगे की तरफ पुल कीजिए और ऐसे ट्विस्ट कीजिए। देखिए मेरी जो मेरा स्कैल्प दिख रहा था वो हाइड हो गया इससे, ये देखिए। तो इस तरीके से आप बैक की तरफ से ट्विस्टिंग करोगे तो आपका स्कैल्प हाइड हो जाएगा और आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपके हेयर बहुत कम हैं। ओके, देन सेकेंड साइड से भी थोड़ा थोड़ा पहले सेक्शन ले लीजिए बालों का, थोड़ा 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 लेयर लेके बैक कॉम्बिंग डालिए। बैक कॉम्बिंग करने से इंस्टेंट वॉल्यूम आ जाती है, बट थोड़े से उलझे उलझे से हेयर लगते हैं, तो उसके लिए आप फ्रंट के हेयर में बैक कॉम्बिंग मत कीजिएगा। आप चाहो तो इस पर स्प्रे भी ऐड कर सकते हो। अब जैसे इतने आपने बैक कॉम्बिंग की है तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा हेयर वॉल्यूम आ गया है। फिर आपको फ्रंट वाला हेयर लेना है, देन इसमें कॉम करनी है, लेकिन बैक कॉम्बिंग खुलनी नहीं चाहिए। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फिर से बैक साइड से ही ट्विस्टिंग स्टार्ट करनी है।
ओके, आगे की तरफ थोड़ा सा पुल करके, और यहाँ पे फिर से आपको इसको क्लिप से सेट कर देना है। तो अगर बैक आपके बैक में हेयर ज़्यादा हैं एंड फ्रंट में कम है तो आप ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, देखा। और अगर बैक में हेयर ज़्यादा है तो आप इस तरीके से बालों को खुला ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन फ्रंट में कम है तो आप इस तरीके से अपने हेयर का जो स्कैल्प दिखता है इस तरीके से हाइड कर सकते हो, और बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा आपके बालों में। और बैक से अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप ओपन रख सकते हो शादी पार्टी में, आप चाहो तो यहाँ पे गजरा ऐड कर सकते हो इस तरीके से। क्लिप के साथ, यूपिन के साथ इसको सेट कर लीजिएगा। तो ये फर्स्ट हेयर स्टाइल भी आपके बालों को काफ़ी बाउंसी एंड वॉल्यूम दिखाएगा, और आपके बाल पतले हल्के नहीं लगेंगे एंड हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो अगर आपके हेयर फ्रंट से बहुत पतले, मेरा भी एक टाइम था जिसमें मेरे बैक में हेयर काफ़ी घने रहते थे बट फ्रंट में बहुत पतले रहते थे, मेरे बेबीज हुए थे, जैसे मेरा बड़ा बेटा छोटा बेटा हुए थे तो यहाँ पे पूरी स्कैल्प दिखती थी, बहुत पतले हल्के बाल हो गए थे। फिर मैंने इलाज भी कराया एंड भृंगराज का ऑयल आता है एक, वैद्यनाथ का भृंगराज, उससे मेरे हेयर बालों में थोड़ा वॉल्यूम आया और जो झड़ चुके बाल थे वो दोबारा निकलने शुरू हो गए। मैंने अपने चैनल पर बहुत पहले, जैसे मैंने जब न्यू चैनल स्टार्ट किया था तब इस तरीके की वीडियोज़ अपलोड की थी, जिससे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी हेयर ग्रोथ के लिए, जो हेयर झड़ चुके हैं उनको उनको दोबारा उगाने के लिए। तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, आगे भी मैं वीडियो शेयर करते रहूँगी। अभी 2-4 दिन पहले भी मैंने एक हेयर फॉल से रिलेटेड वीडियो शेयर की थी, उसमें हेयर स्टाइल भी बताया था, आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको सिंपली आपका जो आपने ये हेयर स्टाइल फ्रंट में बनाया है इसी को सेकेंड हेयर स्टाइल में बदलेंगे, सॉरी फ्रंट से आपका, जैसे फर्स्ट हेयर स्टाइल में आपने ओपन हेयर रखा था बालों को, सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको बालों में एक रबड़ बैंड लगा लेना है। जैसे कई लोगों को खुले बाल पसंद नहीं होते हैं, चाहे बहुत काम काम रहता है शादी फंक्शन में, तो आप इस तरीके से बन बना सकते हो। जैसे फ्रंट का यही छोड़ दीजिएगा हेयर स्टाइल, एंड बैक में कोई भी बन बना सकते हो, क्लचर की मदद से भी बना सकते हो। और क्लचर की मदद से बहुत सारे हेयर स्टाइल मैंने अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से टाइटली रहने दीजिएगा बालों को, हाफ हेयर ले लेने हैं और इसमें एक क्लचर ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे बड़ा वाला क्लचर यूज किया है, आपके बाल बहुत पतले हल्के हैं तो आप बड़ा वाला ही यूज कीजिएगा, अच्छा रहेगा। उससे आपके बालों में, जैसे बहुत पतले हल्के हैं बट थोड़ा सा लेंथ है आपके बालों की, तो बड़ा वाला क्लचर यूज करोगे तो उससे आपका जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत हैवी दिखेगा, पतला नहीं दिखेगा। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। क्राउन एरिया में अगर बहुत ज़्यादा पतले हल्के बाल हो गए हैं तो आप ये ट्राई कर लेना। ओके, इस तरीके से लाके इसको क्लचर के अंदर इस तरीके से इंसर्ट करके क्लचर में ही दबा देना है, बाकी बचे बालों को। ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, एक रबड़ बैंड यहाँ पे लगा लेंगे। तो शादी पार्टी में आप इस तरीके का हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, और भी बहुत सारे हेयर स्टाइल मैं बता रखी हूँ अपने चैनल पे, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना। बहुत पास आ गई थी कैमरे के। अब इसको इस तरीके से जो शॉर्ट निकल रहे हैं उनको वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर मैंने इसको क्लचर के अंदर ही इस तरीके से इंसर्ट करके दबा दिया है। आप यूपिन भी ट्राई कर सकते, यूपिन भी लगा सकते हो। अब जो हेयर निकल रहे हैं उनमें आप यूपिन से उसको सिक्योर कर लीजिए। ओके, देन अगेन आपको अगर पार्टी वगैरह में बनाना है, शादी के लिए बना रहे हो ये हेयर स्टाइल, तो आप गजरा ऐड कर दो, यूपिन ऐड कर दो फ्लावर वाले, उससे आपका बन का लुक जो होगा वो काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।